हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, स्वागत आपका मेरे चैनल पे। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे शीट मास्क के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रही हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपकी तरह और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, वैसे तो हम सभी गर्ल्स जो हैं अपनी स्किन की केयर करते ही हैं, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि हमें फेस पैक वगैरह का भी टाइम नहीं मिल पाता है, फेशियल का टाइम नहीं मिल पाता है। और अगर हमें कहीं बाहर जाना है, सडनली किसी फंक्शन में जाना है, वेडिंग फंक्शन में जाना है, तो ऐसे में हमारे पास टाइम नहीं होता इन सब चीजों का। तो ऐसे में ग्लो कहां से लेकर आए और जिससे आपकी स्किन नरिश भी रहे, मॉइस्चराइज रहे, हाइड्रेट रहे और एक अच्छा ग्लो भी स्किन में नजर आए। तो ये सभी चीजें आपको मिल सकती हैं सिर्फ इन शीट मास्क में। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ शीट मास्क की। तो यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट टाइम परचेज की है और जहां से मैंने परचेज किया है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और गाइज, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इंस्टेंट ग्लो के लिए मैंने अपने चैनल पर भी काफी सारी वीडियो शेयर की हुई है, तो प्लीज आप एक बार मेरी वीडियो की लिस्ट को जरूर चेक कर लीजिए, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से इन शीट मास्क का रिव्यू। तो यहाँ पर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स लगाती हूँ फेस पर, तो काफी बार हमारी स्किन भी थकी थकी नजर आती है, मेकअप के बाद थोड़ी डल लगने लगती है स्किन। मैं मेकअप को रिमूव करने के बाद की बात कर रही हूँ कि रिमूव करने के बाद थोड़ा सा डल लगने लगता है चेहरा, क्योंकि हम तरह तरह के इतने प्रोडक्ट्स अपने फेस पर लगाते हैं और थकी थकी सी लगती है स्किन, हाइड्रेट भी नहीं लगती है, और खासतौर से इस मौसम की अगर बात की जाए। तो ऐसे में मैंने सोचा कि मैं इन शीट मास्क को भी ट्राई कर देखूं, क्योंकि मैंने काफी सारी इसकी खूबियां सुनी थी, इसके फायदे सुने थे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसका रिव्यू शेयर करूं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किए थे टोटल 5 शीट मास्क, जो कि कॉम्बो ऑफर में मुझे मिले थे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मुझे मिल गए थे। तो गाइस, प्लीज एक बार इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा आप भी। तो यहाँ पर टोटल है मेरे पास यहाँ 5 शीट मास्क है, जो कि अलग अलग फ्लेवर्स में है। तो चलिए मैं फटाफट से आपको अपना मेकअप रिमूव करके दिखाती हूँ और उसके बाद मैं इन शीट मास्क को अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल 4 शीट मास्क आपको नजर आ रहे हैं और सभी आप देख सकते हैं, इसमें आपको अलग अलग फ्लेवर्स में मिल जाएंगे। पोमेग्रेनेट है, हनी है, ऑलिव है और ब्लूबेरी में है, और इसमें आपको और भी काफी सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे, अपने अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऑलिव वाला आप ट्राई कर सकते हैं शीट मास्क, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा शीट मास्क है ये। और इसमें ये एक सीरम के साथ आता है और सीरम होता है इसके अंदर, एक शीट होती है और वो पूरी सीरम में डिप होती है अच्छे से, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अभी आपको इस्तेमाल करते हुए दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इसे इस्तेमाल करना है। और ड्राई स्किन वालों के लिए ऑलिव भी बेस्ट है और हनी वाला भी बेस्ट है। वैसे आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली, अगर आपको ब्राइटनेस चाहिए स्किन में, सॉफ्ट और ग्लोई चाहिए, तो इस तरीके से इसमें सभी आपको शीट मास्क अवेलेबल हो जाएंगे और इनका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये सभी आप देख सकते हैं कुछ चाइनीज लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है या कोरियन, आई डोंट नो। तो ये इस तरीके से इसमें दिया हुआ है, पीछे सब कुछ इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि कितनी देर तक आपने इसे लगाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये आप देख सकते हैं। और मुझे ये कॉम्बो ऑफर में मिले थे जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल गए थे मुझे, और इसमें आपको जो 30 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये सभी शीट मास्क गाइस सभी की स्किन टाइप के लिए हैं और अलग अलग इसमें सभी चीजें मेंशन की हुई हैं कि आपको किस टाइप की स्किन चाहिए और किस टाइप की स्किन के लिए ये सूट करेगा। लाइक अगर आपकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है, सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी शीट मास्क है। सभी आपको आपकी स्किन टाइप के हिसाब से भी मिल जाएंगे, तो आप एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये शीट मास्क देते हैं, नरिशमेंट देते हैं आपकी स्किन को, मॉइस्चराइज करते हैं, हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को और एक्स्ट्रा ग्लो भी देते हैं और आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने मेकअप को रिमूव कर लूंगी और मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल की हेल्प से अपने लिपस्टिक को रिमूव कर रही हूँ कुछ इस तरह से। कोकोनट ऑयल की हेल्प से आप अपने वाटरप्रूफ मेकअप को ईजिली रिमूव कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का मेकअप हो उसे भी ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने लिपस्टिक को रिमूव कर लिया है और अब मैं यहाँ पर एक ईयरबड ले रही हूँ और ईयरबड की हेल्प से मैं अपनी फॉल्स लैशेज को हटा लूँगी। तो कुछ इस तरह से एक ईयरबड पे मैं कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ और उसे अपनी फॉल्स लैशेस पर अप्लाई करूंगी। इसकी हेल्प से आप इस तरीके से इजीली अपनी फॉल्स लैशेस को हटा सकते हैं, यानी कि नकली पलकों को आराम से उतार सकते हैं। इसमें आपकी जो ओरिजिनल लैशेस होती है ना, उन्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। और अब मैं एक बेबी वाइप्स की हेल्प से अपने फेस को साफ कर लूँगी, क्योंकि जब भी आप कोई शीट मास्क अप्लाई करते हैं तो आपका जो फेस है वो एकदम साफ होना चाहिए, आपके फेस पर कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट नहीं लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपने मेकअप को अच्छे से रिमूव कर लिया है
और अब मैं एश्योर का ये क्लिंजर लूंगी और इसकी हेल्प से मैं अपने फेस पर जो बाकी का मेकअप है उसे हटा लूंगी। और एश्योर के इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप एक बार वीडियो की लिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए वो वीडियो, और काफ़ी पसंद भी किया आपने उस वीडियो को। और बहुत ही अच्छा ये क्लिंजर है, बहुत ईजिली आपके मेकअप को रिमूव कर देता है। तो इस तरीके से आपने इस क्लिंजर से 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पर मसाज करनी है और इसके बाद आपका सारा जो मेकअप है वो रिमूव हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने फेस का जो इतना भी मेकअप था उसे रिमूव कर लिया है और अब मैं फेस वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं इस शीट मास्क को अप्लाई करूँगी अपने फेस पर और अब मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी और अब मैं इन शीट मास्क को अप्लाई करूँगी। तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और मैं यहाँ पर ब्लूबेरीज में जो शीट मास्क है इसे अप्लाई करूँगी अपने फेस पर और ये बहुत ही ईजिली ओपन हो जाता है, तो आप देख सकते हैं। और इसके अंदर काफ़ी सारा सीरम होता है, इसके अंदर जो शीट होती है ना वो सीरम में डिप होती है और काफ़ी सारा सीरम होता है, तो ये कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। इसे आपने केयरफुली निकालना है और ये पूरा ही सीरम में डिप होता है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। तो ये पूरा आपके फेस पर अच्छे से कवर कर देता है आपके फेस को, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से आपने इसे अप्लाई कर लेना है और बहुत ही ईजिली आपके फेस पर ये सेट हो जाता है। तो इसे अच्छे से आप इस तरह से फिक्स कर लीजिए और बाकी का जो भी सीरम बचा है उसे मैं अपने हैंड पर अप्लाई कर लूँगी, अपने दोनों हाथों पर अच्छे से मसाज कर लूँगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सीरम है। आप इस सीरम को बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अगर आप कोई भी मेकअप कर रहे हैं या बाहर कहीं फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं तो जाने से पहले भी आप ये अपना शीट मास्क अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसे अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी और जिससे आपका मेकअप भी बहुत ही अच्छा दिखेगा, फ्लॉलेस लगेगा और आपके जो मेकअप पे आप जो भी फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं वो ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है मेकअप इसे लगाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, नोज़ पर भी आपके अच्छे से फिट हो गया है, ये देखिए। तो इसे आपने सिर्फ 10 से 15 मिनट तक रखना है, वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा सीरम होता है जो कि 1 घंटे तक भी ड्राई नहीं होने वाला है और 10 से 15 मिनट आई थिंक काफ़ी है इसमें, तो आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अगर आप इस शीट मास्क को अप्लाई कर रहे हैं तो आप जब भी इसे अप्लाई करें एक्सेस जो भी आपके फेस पर अगर सीरम लगा रह जाता है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप उसे एक कॉटन की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं क्योंकि जितना भी इसमें सीरम होता है वो अच्छे से आपकी स्किन में वैसे तो अब्जॉर्ब हो जाता है, बट अगर आप मेकअप कर रही हैं इसे लगाने के बाद तो आपको जो एक्स्ट्रा सीरम अगर आपको लगता है फेस पर लगा रह गया है तो आप उसे कॉटन की हेल्प से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद आप मेकअप को अप्लाई कीजिए क्योंकि इतने ज़्यादा सीरम लगाने के बाद मेकअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इन शीट मास्क को वैसे तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर, अगर आप नाइट में अप्लाई करना चाहते हैं तो नाइट में भी लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर हाथों पर मसाज कर ली है तो 10 से 15 मिनट मुझे हो चुके हैं और अब मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। और आपने इसे अप्लाई करने के बाद कोई भी किसी भी तरह से कोई भी फेस वॉश वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है और अगर आप इसे नाइट में लगा रहे हैं तो जो भी आपका नाइट स्किन केयर रूटीन है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इसे बस नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी और ऐसे ही लगा रहने दूँगी अपने फेस पर। देखिए मैंने 2 से 3 मिनट तक मसाज भी कर लिया है, जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा लगा हुआ था सीरम तो उसे इस तरीके से मैंने अपनी स्किन में ऑब्जॉर्व कर लिया है और आप ग्लो देख सकते हैं इसका, कितना अच्छा ग्लो आया है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रही है स्किन मुझे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है और काफ़ी हाइड्रेट भी लग रही है स्किन। तो मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, आप भी इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपकी स्किन की केयर के लिए ये शीट मास्क और बहुत ही अच्छा ग्लो देते हैं, स्मूथ बना दिया एकदम स्किन को, बहुत ही अच्छी लग रही है टच करने में स्किन। सो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई और पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इससे मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइज ये बिल्कुल फ्री है और आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो इसलिए बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।